क्या नाम है आपका? राजमन मोहर। कहाँ घर पड़ेगा आपका? हरिद्वारी। हरिद्वारी, तो क्या मामला है जो आप दर दर भटक रहे हैं? ये हमारा भट्टे का मामला है, लीज पे हम दिए थे। किसको? ओम सिंह और सुंदरम सिंह और ओम सिंह प्रदीप सिंह जी, और चलाने के लिए इनको हम लीज पे दिए थे। और एक सत्र के लिए जो है हम इनको जो है एग्रीमेंट लिखे थे। एग्रीमेंट के पहले ये लोग माल बेचे और टैक्स, खनन, रॉयल्टी, लीज की जमीन का भाड़ा, पुरानी मिट्टी जो हमारी थी उसको भी जो यूज किए हैं, कोई न तो लीज की जमीन का भाड़ा दिए हैं, न तो टैक्स दिए हैं, न जिला परिषद का जो है टैक्स दिए हैं जी, ऑल टोटल कोई टैक्स दिए नहीं जी। ईंचा ये लोग बेच बेच के, भैया बेचेंगे तब देंगे, बेचेंगे तब देंगे, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। और इनका जो है समय 1 अगस्त को ही ख़त्म हो गया जी, जो थोड़ा ईंचा बचा है ये लोग जबरदस्ती उसको उठा के ले जाना चाहते हैं। और जो लीज का भाड़ा इत्यादि जो बताया है हमारा, उसको देना नहीं चाह रहे। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि न्याय हो, जो हमारा हिसाब है हिसाब क्लोज कर दें, वो अपना ईंटा पत्थर जो कुछ है वो उठा के ले जा सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो बाकी है वो पूरा भरपाई कर दे, उसके बाद लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा लिखित एग्रीमेंट है, उसको हमारा लेके बाकी वो अपना ईंट ले जाए। ये दिक्कत कब से आपको आने लगी? ये दिक्कत आने लगी जब सर हमारा जो है कि एग्रीमेंट का समय खत्म हो, तभी से हमको ये टेंशन बनने लगा कि ये लोग का जो है विचार गड़बड़ हो रहा है। ये लोग देना नहीं चाह रहे हैं जी, हमको केवल गोल गोल घुमा रहे हैं, क्योंकि हम सीधे साधे आदमी हैं जी। ये लोग का कहना है कि माल यहाँ से हटा देंगे तो एक पैसा नहीं देंगे। ये बताइए जी, कब आपको जानकारी हुआ कि जो रॉयल्टी है, जो आप लीज की ज़मीन का जो पैसा है, ये लोग भरपाई नहीं किए हैं, कब जानकारी हुई? शुरू से ही हम पीछे लगे हैं, लेकिन ये लोग टाल मटोल करते चले आए। हम ये भी बताए कि इसका जो है ब्याज इसका जो है 24% है। सब कुछ वाकिया को बताते हुए ये लोग जो है कि उसको बात को टालते चले गए, सोचे सीजन जो है ख़त्म हो गया है और हम जो है कि माल निकाल के अपना पूंजी निकाल के हम ईंट उड़ा दें, इसके बाद जो है ये अपना सब झेलेंगे जी। ये बताइए, हाँ, भट्टे का एग्रीमेंट कब किए थे आप? 1/9 को। 1/9 को, हाँ, 23 को। और 1 अगस्त को यही जो चल रहा है इसमें ख़त्म हो गया एग्रीमेंट? हाँ, 1 अगस्त को 24 को इनका एग्रीमेंट जो है ख़त्म हो गया। तो आप कहाँ कहाँ IGRS दिए हैं? हम जो है DIG मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के यहाँ और पुलिस अधीक्षक के यहाँ जौनपुर हम यानी अनेकों जगह जो है थाने पे जो है एप्लीकेशन दिए, हमारा कहीं सुनवाई कुछ नहीं हुआ जी। आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं हमारा यानी जो हमारा हिसाब है उसको दे के इसके बाद ही ये लोग ईंटा यहाँ से उठाएं। आपके हिसाब से कितना बकाया होगा टोटल? हमारे हिसाब से 7 लाख के ऊपर ही है। 7 लाख रुपया बकाया है, हाँ। ये बताइए आपके ईंट भट्टे का नाम क्या है? मौर्या एंड ब्रदर्स। कितने वर्षों से चल रहा है भट्टा? 2011 से। इसके पहले किसी को भी और दिए थे? इसके पहले दिए थे हमारे गांव के, इसके पहले हमारे बड़े भाई साहब चलाते थे, हाँ। कोरोना काल में डेथ हो गया, जिसके बाद जो है हम हमारे गांव के प्रधान थे, हम उनको दे दिए जी, हाँ। तो इसके बाद इनको आपने दिया जी। तो आप चाहते हैं कि जो पूरा भरपाई कर दे उसके बाद ईंट लेके जाए, नहीं तो ईंट नहीं जाएगा, हाँ। तो हर जगह आप एप्लीकेशन दे दिए हैं, हाँ, लेकिन मेरा कोई कहीं से सुनवाई नहीं हो रहा। क्या नाम बताया आप अपना? राजमन मौर्य, हाँ। ग्राम हरिद्वारी, थाना बरसती, तहसील परगना मणिया हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर जी। ये जो बयान दे रहे अपने होशो हवास बयान दे रहे हैं, एकदम किसी बहकाव में नहीं दे रहे हैं? नहीं,
आप चाहे बहकाए में क्या सर, हम खुद ही जो है कि हर जगह से दौड़ते दौड़ते ऊब गए, तब हम आपके पास आए। जी ये चैनल चल सकता है? जी सोशल मीडिया चल सकता है जी। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत, आप चाहते केवल आपको जो समस्या है वो समाधान हो। जी ये देखिए, ये भट्ठा मालिक हैं और इन्होंने 3 लोगों को अपनी भट्ठा को लीज पे दिए थे, लेकिन उसका भरपाई नहीं किए और समय जो एग्रीमेंट दिए थे वो एग्रीमेंट भी पूरा हो गया और वो लोग जो बकाया था वो सब जमा नहीं किए और वो लोग चाहते हैं कि इनका पूरा ईंट निकाल कर बेच दे और फरार हो जाए, यही डर है इनको और ये चाहते हैं कि वो लोग पूरा भरपाई कर दे उसके बाद ईंट लेके जाए, इनको कोई नाराज़गी नहीं है। जी यही आप चाहते हैं ना? जी सर। जी वो लोग रहने वाले कहाँ के हैं? एक प्रदीप सिंह है और सन ऑफ राम बहादुर, ग्राम हरदुआ, पोस्ट सिकरारा, थाना मछली शहर, और दूसरा प्रदीप सिंह ओम सुंदरम सिंह है जो खाना पट्टी के हैं, थाना सिकरारा है, जनपद जौनपुर, तहसील मछली शहर, नहीं तहसील जौनपुर होगा उनका। अच्छा हो गया सर। और ओम सिंह है ये जो है हुसैनाबाद जौनपुर के हैं जी, और बस यही लोग हैं। ओम सिंह, आनंद प्रकाश सिंह जी। तो आप चाहते हैं कि जो भरपाई है उसको भर दे उसके बाद ईंट लेके जाए? जी जब तक हमारा भरपाई नहीं करेंगे ईंट ले जाने से हमें इतराज है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं। आप बता रहे थे आपको धमकी उमकी भी मिल रहा है? हाँ हाँ ये लोग धमका के जो है कि ले जाना चाहते हैं। अगर कोई घटना होगा तो इसका जिम्मेदार अगर कोई सरकार होगी, क्योंकि हम सबको इन्फॉर्म कर चुके हैं जी। हाँ हर जगह हम सूचित कर दिए हैं, लेकिन मेरा कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई जी।